भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को गौतम नवलखा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी ट्रांजिट रिमांड पर एक दिन की रोक लगाते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि बुधवार की सुनवाई तक वो उन्हें दिल्ली से बाहर नहीं ले जा सकती है। वहीं फरीदाबाद से गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज के ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 दिन की रोक लगाई है। इस बीच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जो शिकायत करे उसे गोली मार दो, ये है नया भारत। इससे पहले मंगलवार को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस ने 5 राज्यों में छापेमारी कर गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज जैसे मशहूर नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था।